Hello everyone, today this is the first class of chemistry and we are going to start with chapter number 1, that is chemical reactions and equations. So now we are going to start what is a chemical reaction. अब chemical reaction होता क्या है? Chemical reaction एक ऐसा process है जिसमें क्या होता है, new substances बनते हैं जिनकी properties क्या होती हैं, different होती हैं जो initial substances थे. मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी initial substances थे उनमें transformations आती हैं, उन ट्रांसफॉर्मेशंस के करके क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं. और जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं वो कैसे होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. अब होता क्या है, बेसिकली रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का. अब कोई भी नए एटम्स फॉर्म नहीं होते हैं, कोई एटम्स लॉस्ट नहीं होते, सिर्फ केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि जो पहले बॉन्ड्स थे, पुराने वाले बॉन्ड्स टूट जाते हैं, नए बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं. अब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो जो ओल्ड स्पीशीज थी, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थे, वो ब्रेकअप हो जाएंगे और नए बॉन्ड्स फॉर्म होकर कुछ नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे. अब डेफिनेटली अगर न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. ठीक है जी. सो केमिकल रिएक्शन इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. पहले पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं, फिर क्या होता है, नए बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं. अब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इन टू द अदर एलिमेंट. मतलब एटम्स में कोई चेंज नहीं आता. अगर सपोज सोडियम का एटम है तो वो पहले भी रिएक्शन में सोडियम ही था, बाद में भी सोडियम है. क्लियर. सिर्फ होता क्या है, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. तो इसी तरह अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है, हमारे पास नए सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड. और ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट होता है. और रीअरेंजमेंट कैसे होता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. क्लियर. अब सी, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड क्या होता है, अगर हम मिल्क को सपोज रूम टेम्परेचर पर रखते हैं समर में तो क्या हो जाता है, सोरिंग ऑफ मिल्क. आयरन नेल को डिप कर देते हैं, अगर हम एक्सपोज कर देते हैं उसको ह्यूमिड एटमोसफेयर में तो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, वाइन की प्रोडक्शन. हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है फूड की, इट इज़ ऑल्सो केमिकल रिएक्शन. और रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं. तो इनमें भी क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट्स है वो किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में. अब आप सब क्या देखोगे कि इन सभी सिचुएशंस में जो नेचर है और आइडेंटिटी है सब्सटेंसेस की वो चेंज हो रही है. ठीक है ना, पहले हमारे पास क्या था, मिल्क था, अब मिल्क सोड हो गया, फिर आयरन नेल था उस पर रस्ट प्रोड्यूस हो गया तो वो आयरन ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड. फिर फर्मेंटेशन हो गया तो वाइन प्रोड्यूस हो गया, ऐसे डाइजेशन और रेस्पिरेशन. तो अब हो क्या रहा है कि नेचर भी चेंज हो रही है और आइडेंटिटी भी चेंज हो रही है केमिकल रिएक्शंस की. अब हम बात करते हैं कि सब्सटेंसेस जो टेक द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. और द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स. मतलब जो इनिशियल हमारे पास सब्सटेंसेज थे वो हमारे क्या थे, रिएक्टेंट. रिएक्टेंट्स में क्या होते हैं, चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं. उन चेंजेस प्रोड्यूस होने के करके जो प्रोड्यूस होता है हमारे पास उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अब हमारे पास एग्जाम्पल है NaOH प्लस HCl है. ये जब रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, NaCl और H2O बनते हैं. अब NaOH प्लस HCl हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स. और ये हमारे पास क्या बने, प्रोडक्ट्स. अब देखो पहले क्या था, सोडियम का Na का बॉन्ड किसके साथ था, हाइड्रोक्साइड के साथ, OH के साथ. और हाइड्रोजन का किसके साथ था, क्लोरीन के साथ. अब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हुआ क्या, इस Na ने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया और बॉन्ड किसके साथ बना लिया, Cl के साथ. तो बॉन्ड हो गया NaCl का और ये H ने किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ. तो हमारे पास बन गया H2O. तो यही समझाना चाह रही हूँ मैं कि रिएक्टेंट्स में बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, फिर वो नए बॉन्ड्स बनते हैं और हमारे पास कुछ नए प्रोडक्ट्स बनते हैं. क्लियर. तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन होता क्या, रिएक्टेंट्स दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड दे हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स. नाउ वी विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब देखो जो मैग्नीशियम है ना, वो मेटल, वो किस फॉर्म में, हमें मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में ना लेबॉरेटरी में अवेलेबल होती है. अब जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और इसकी बर्न करते हैं इसको,
तो डेफिनेटली हम बर्न किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और ये बर्न करती है एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ. और प्रोड्यूस क्या होता है हमारे पास, वो एक रिबन के फॉर्म में थी, जब हमने उसको हीट करना शुरू किया, बर्न करना शुरू किया, तो हमारे पास एक पाउडर फॉर्म आ जाता है. और वो जो पाउडर फॉर्म आया वो हमारे पास क्या आता है, मैग्नीशियम, हमारे पास बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है जी. अब देखो अब इसमें हमें कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. हमारे पास पहले वो सॉलिड एक रिबन के फॉर्म में था, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या है, हमारे पास पाउडर फॉर्म में. ठीक है, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है. जो मैग्नीशियम का कलर होता है उसके रिबन का, वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, और जब वो हमारे पास पाउडर आया तो वो कौन सा है, वाइट कलर का. तो कलर चेंज हो गया, तो कलर चेंज हुआ मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पीशीज में भी चेंज आया, तभी कलर चेंज हुआ. तो इससे हमें क्या पता चला कि कुछ नया प्रोडक्ट हमारे पास बना है. रिएक्टेंट कौन से थे हमारे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसमें क्या हो गया, रिएक्टेंट्स हैज बीन चेंज टू प्रोडक्ट्स. मैग्नीशियम है हमारे पास, अगर हम इसको इक्वेशन में लिख रहे हैं तो मैग्नीशियम हमें रिबन के फॉर्म में मिला, ऑक्सीजन हमें एयर से मिल गई, तो हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब जो हमारे पास मैग्नीशियम थी वो एज अ फॉर्म ऑफ रिबन थी, ऑक्सीजन हमने एयर से ले ली और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर के फॉर्म में हमें मिल गया. तो ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स. मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया हमारा, प्रोडक्ट. तो अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं जो मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं. तो अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होंगी, वो ना तो मैग्नीशियम जैसी सेम होंगी ना ही वो ऑक्सीजन जैसी. तो वो एक नया कंपाउंड बन गया जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी फ्रॉम मैग्नीशियम ऑल्सो एंड फ्रॉम ऑक्सीजन. मतलब प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद द सैंड पेपर. अब क्या ज़रूरत पड़ती है, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ना, उससे पहले उसको क्लीन करना पड़ता है विद द सैंड पेपर. सो अब ऐसा होता क्यों है, देखो मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना इस पर कोटिंग आ जाती है, और वो कोटिंग किसकी होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की. मैग्नीशियम रिबन क्योंकि वो एक्सपोज्ड रहता है एटमॉस्फेयर, तो उस पर एक कोटिंग आ जाती है, और वो कोटिंग किसकी होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसके सरफेस पे. ठीक है, अब ये कोटिंग क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि स्लो एक्शन होता रहता है मॉइस्ट एयर का. अब उस एयर में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है वेपर्स के फॉर्म में. तो वो रिएक्शन के क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट. अब वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर क्या करती है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है. अब वो जो लेयर है वो क्या करती है, मैग्नीशियम मेटल की बर्निंग में हिंड्रेंस क्रिएट करती है, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी, वो मेटल को एक्सपोज ही नहीं करती है एयर के साथ. तो इस करके अब हमने क्योंकि बर्न करना है उसको, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इस प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करें. सो टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं किससे, सैंड पेपर के साथ. हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट करने लगे हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, या ये कह सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. तो सबसे पहले समझते हैं हम एग्जांपल्स के साथ. अब अगर एग्जांपल लेते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, अब हमने आइसक्रीम खा रहे हैं और आइसक्रीम मेल्ट हो रही, तो वो क्या क्या वो केमिकल रिएक्शन हुआ, नहीं, इट इज़ अ फिजिकल चेंज. अब वाई फिजिकल चेंज, देखो अब आइसक्रीम मेल्ट हो रही है तो उसके साथ उसकी क्या हुई, फिजिकल अपेरेंस चेंज हुई है. बट अगर हम उसको दोबारा से फ्रोजन कर दें तो क्या होगा, वील गेट द आइसक्रीम बैक. ठीक है जी, और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में तो कोई चेंज नहीं आया, जैसी वो पहले थी उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, केमिकल कॉम्पोजिशन में तो कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ चेंज किस में आया है, फिजिकल अपेरेंस में. तो ऐसे रिएक्शंस जो टेम्प्ररी नेचर होते हैं और दोबारा से वही हमें रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल चेंज. फिर आता है जी बर्निंग ऑफ वुड. अब देखो बर्निंग ऑफ वुड क्या है, इट इज़ अ केमिकल चेंज. अब एक बार हमने वुड बर्न कर दी, क्या जो एशेज प्रोड्यूस हुए हैं, जो हीट एनर्जी एमिट हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुई है, उन सबको दोबारा से हम वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं. तो इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ केमिकल चेंज. सी एज द वुड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बैक. ठीक है, और उसके साथ साथ रिलीज हो चुकी है अब हीट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया है, इस करके हम रिएक्टेंट्स दोबारा
नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो क्लियर विद द डिफरेंस कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। चलिए अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस क्या। जो फिजिकल चेंज होता है ना, वो टेम्पररी नेचर है, इट कैन बी रिवर्स्ड। अब जैसे आइसक्रीम थी, वो मेल्ट होगी थी, ठीक है। अब उसको दोबारा से अगर हम फ्रीज कर देंगे तो दोबारा वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगी, उसी फॉर्म में आ जाएगी। तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं कि जो भी चेंजेस होते हैं ना, फिजिकल चेंजेस, वो टेम्पररी इन नेचर होते हैं। मतलब दोबारा से हम उनमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे उनको लाया जा सकता है। बट जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट है। मतलब अगर एक बार चेंज हो गया तो वो दोबारा से उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, परमानेंट दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, क्लियर। अब जैसे वुड है, अगर हमने उसको बर्न कर दिया तो वुड को बर्न करने से क्या हुआ, क्या एशेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उन एशेज को कंबाइन करके हम दोबारा से वुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, दे आर परमानेंट इन नेचर। अब फिजिकल चेंज जो है, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता, ना ही कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है। सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड। बट केमिकल चेंज क्या होता है, नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं और उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाती है। अब जैसे कि हमने बात करी थी कि आइसक्रीम, अब आइसक्रीम जब मेल्ट होगी तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या कोई चेंज आया, क्या हमें नई तरह की आइसक्रीम मिली, नहीं, हमें सेम ही मिली, बट सिर्फ क्या हुआ, उसकी फिजिकल अपेरेंस चेंज हुई। बट केमिकल चेंज, जब हमने वुड को कर दिया तो वो एशेज में बन गया, CO2 बन गई, तो वो एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने। अब इसमें ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं, बट केमिकल चेंज में क्या होता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ दे आर नॉट रिटेन। ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ रिटेन का क्या मतलब, कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आता, टेस्ट, फ्लेवर सब कुछ वही रहा, बट केमिकल चेंज में क्या हो गया, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या होगी, चेंज हो। अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं, क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। द आंसर इज येस। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। अब देखो क्या होता है, वैक्स मेल्ट होती है और कुछ पार्ट जो वैक्स का है वो दोबारा से सॉलिडिफाई हो जाता है। वैक्स मेल्ट होती है, दोबारा से सॉलिडिफाई हो जाती है और वो वही ओरिजिनल वैक्स की तरह बन जाती है। तो अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हुई, कोई चेंज नहीं आया, टेम्पररी था, रिवर्स हो गया, सॉलिडिफाई होके वो सेम वैक्स बन गई। तो ये क्या हुआ हमारा, एक फिजिकल चेंज। और कुछ जो वैक्स है वो बर्न करती है, फ्लेम एमिट होता है और वेपर्स में चेंज हो जाते हैं और उसको दोबारा हम क्या करते हैं, चेंज बैक नहीं कर सकते। तो अब जो नए सब्सटेंस बने वो कौन से, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। कुछ पार्ट ऑफ द वैक्स जो तो क्या हो रहा है, दोबारा से रीसॉलिडिफाई हो रहा है ऑन कूलिंग, वो हमारा क्या हो गया, फिजिकल चेंज। और कुछ पार्ट ऑफ द वैक्स जो कन्वर्ट हो रहा है फ्लेम में और दोबारा से वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो इसमें साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस। लास्ट कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, तो जो 5 मेजर करेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले है एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब जब भी कोई गैस इवॉल्व होती है तो इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, एट द सर्फेस। फिर आता है चेंज इन कलर, जब भी कलर चेंज अकर होता है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। तो 5 इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, अब जैसे जिंक के ग्रेन्यूल्स लेते हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम पोर करते हैं, तो क्या, कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हमें इससे क्या पता चला कि H2 रिलीज होगी है, तो डेफिनेटली केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आया, ठीक है जी। अब केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आया तो मतलब केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड ने रिएक्ट किया टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। अब ये जो बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट क्या करता है, सेटल डाउन कर जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया कि बेरियम सल्फेट बना है। बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा, जब यहाँ बेरियम और क्लोराइड का बॉन्ड टूटेगा, तो मतलब क्लोराइड फ्री हो गया इधर से,
हाइड्रोजन फ्री हो गया क्योंकि SO4 ग्रुप बेरियम के साथ चला गया, तो इस करके पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ गया। फिर आता है चेंज इन कलर। अब जैसे सिट्रिक एसिड है उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट अगर डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, वो पर्पल कलर का होता है, बट जब सिट्रिक एसिड में डालते हैं तो वो पर्पल से क्या चेंज हो जाता है, कलरलेस। तो चेंज इन कलर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है। फिर आता है चेंज इन टेम्परेचर। जैसे केमिकल रिएक्शन है क्विक लाइम और वाटर के साथ, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक्ड लाइम बनता है, तो बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, बीकर गर्म हो जाता है, तो हमें क्या पता चला, टेम्परेचर चेंज हुआ। फिर चेंज इन स्टेट, अभी हमने रिएक्शन पीछे भी पढ़ा था वैक्स का बर्निंग, अब वैक्स को बर्न करते हैं, वैक्स क्या है, सॉलिड फॉर्म में, तो वाटर वेपर और CO2 फॉर्म होते हैं, अब वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में, CO2 क्या है हमारे पास, गैसियस फॉर्म में, तो ये फॉर्म हो जाते हैं, तो सॉलिड से क्या हो गया, अब लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म हो गए, तो चेंज इन स्टेट हो गए। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है 5 हमारे पास, ठीक है जी, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। थ्रू आउट दिस वीडियो वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हमने डेली लाइफ में होते हैं वो हमने स्टडी, फिर हमने स्टडी किया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हमने इक्वेशंस देखी, ठीक है जी। फिर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखी, हमने क्वेश्चन किया था कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है। वी स्टडीड व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज, व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज, साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एंड द लास्ट वी डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।